देश के सबसे बड़े घोटाले अडानी घोटाले पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए घोटाले की जांच के लिए मांग की और कहा कि ये अब तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा डूब गया है। बैंकों और LIC जैसे संस्थानों पर भी बुरा असर पड़ा है। देश के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले के खिलाफ सरकार और प्रधानमंत्री का मौन रहना इस ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में सरकार को पूर्व जानकारी थी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आह्वान पर प्रदेश के सभी मंडलों में आज प्रदर्शन किया गया। इसी के तहत बनारस के वाराणसी मंडल में भी काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के विशाल समूह ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पवन तिवारी जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएं कि देश में आम जनता का पैसा बैंक और LIC जैसे संस्थान में सुरक्षित है ना, लेकिन जिस प्रकार से सरकार संसद में बहस से भाग रही है उससे प्रतीत होता है कि मोदी के अभिन्न मित्र अडानी को बचाने में मोदी जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी संस्थाएं लगी हुई हैं। अब ED कहाँ है? ED इस घोटाले को संज्ञान में लेकर जाँच क्यों नहीं कर रही है? गौतम अडानी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? इतना बड़ा घोटाला सामने आया है और सरकारी JB संस्था ED का मौन रहना और सरकार का इस मुद्दे पर बहस से भागना इशारा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मेरा नाम जोकांत वर्मा है, मैं राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। में बात करें तो यहाँ पे क्या आप लोग गिरफ्तार किया गया है अभी फिलहाल? आज हम लोग ने पुलिस का नंगा नाच खुलेआम देखा। आज हम लोग ने मांग इतनी की थी कि जो लाखों करोड़ का लूट अडानी किए हैं जिसके पीछे मोदी खड़े हैं, आज हमारी मांग थी कि इस पर JPC की जाँच हो, JPC गठित हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों द्वारा एक कमेटी बनाई जाए जिससे कि जांच हो। इतनी सी मांग के लिए हम ज्ञापन देने जा रहे थे। आज हमारे साथियों को मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, कुछ देखिए गिरफ्तार साथी हैं उनको अस्पताल उनका मारा गया बेरहमी से। और ये हम कहना चाहते हैं कि एक गरीब आदमी जो चंद रुपये का लोन लेता है, जूता अपना उसका चप्पल टूट जाता है, उसको लोन नहीं मिलता, और मिलता भी है तो उसकी गुमटी तक उठा लेते हैं लोन रिकवरी के लिए। लेकिन आज जिस तरह से लाखों करोड़ रुपए की लूट हुई है, प्रधानमंत्री ये हमारे खामोश है, ये खामोशी दर्शाता है कि इसके पीछे प्रधानमंत्री हैं। ये प्रूफ इस बात से होता है कि सारा तेल उनको दे दिया, रेल दे दिया, गैस दे दिया, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, लाखों करोड़ की बिजली दे दी, सब कुछ उसको दे दिया। वो व्यक्ति आज पूरी तरह से नंगा हो चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री खामोश हैं। आज हम इस बात की मांग करते हैं कि JPC का गठन हो, तुरंत अभिलंब गठन हो, अन्यथा हम लोग फिर इस तरह से आएंगे, ऐसी बड़ी संख्या में आएंगे, इनके जितने इनके लाठियों में दम है हम देख लेंगे। जब तब जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, भारत माता की जय। जो पवन तिवारी अध्यक्ष काशी प्रांत आम आदमी पार्टी, क्या हुआ, कहां पर विरोध प्रदर्शन, क्या मामला? आज हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आई, हम लोगों पर लाठी चार्ज किया, हमारे कपड़े में कई फाड़े लाठियां चलाई, हमारे एक कार्यकर्ता श्रवण जो काशी प्रांत के सोनभद्र का कार्यकर्ता महासचिव हैं पार्टी के जिले के, उनको लाठी से मारे पेट में, वो बेहोश हैं। ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी नरेंद्र मोदी जी कब तक करेंगे? और ये जनता है, जनता ने इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाई थी उनको भी संपूर्ण क्रांति का नारा दे करके और जेल में डाल दिया गया। मोदी जी अब आपके दिन लद गए हैं, और अब आप एक गाना, आज से जो लाठियां हम लोगों को पड़ी है, हम लोग सांसद संजय सिंह केजरीवाल के सिपाही हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, ईंट से ईंट बजाएंगे। और मोदी जी आज आप तो डर गए अपने पुलिस के बल पर, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा ज्ञापन तक नहीं दिए। हम लोग लड़ करके क्रांतिकारी सिपाही यहाँ आए, लाठी गोली से नहीं डरते। अब आप एक गाना याद कर लिए कि चल उड़ जा रे पंछी, अब ये हो बनारस हुआ बेगाना। मैं मोदी जी आपसे बनारस का ठेलिया आम आदमी भी देखा कि आम आदमी पार्टी के लोग JPC की मांग कर रहे हैं अडानी के घोटाले के खिलाफ। मोदी के मित्र जो अडानी हैं, जो 11 लाख करोड़ रुपए चपत कर गए और उनका शेयर डाउन हो गया, 74,000 करोड़ रुपए LIC का पैसा जो था वो भारत के नागरिकों का पैसा था, मोदी जी के पिता दामोदर दास जी ने नहीं दिया था 74,000 करोड़ रुपए। इसलिए आज हम लोग सड़क पर आंदोलन किए हैं, सांसद संजय सिंह जी ने संसद में सड़क पर आंदोलन संसद में किया है, सड़क पर आज उन्होंने आह्वान किया, हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय घेरे
और हम बधाई देते हैं अपने क्रांतिकारी साथियों का कि बिना डरे बिना दबे झुके हम लोग क्रांति की मिसाल पीछे नहीं हट करके और लड़ रहे हैं। एक मिनट ये अपना परिचय दे दीजिए। जी मैं पल्लवी वर्मा रोहनिया विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी और काशी प्रांत की सचिव हूँ। अभी किस तरह का विरोध प्रदर्शन जी क्या हुआ? हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है जो नरेंद्र मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री के परम मित्र हैं उन्होंने LIC का पैसा उन्हें गिफ्ट कर दिया है वो भी चोरी छुपे। गिफ्ट भी देना था तो सामने से दिया होता, चोरी छुपे हमारे पैसे को गिफ्ट कर दिया है। और हमारी मांग है कि अडानी का पासपोर्ट जब्त हो वरना वो उनके मित्रों की तरह बाकी मित्रों की तरह विदेश चला जाएगा और कोई सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस उन्हें ढूंढ के लाएगी। प्रशासन कहेगी कि हमें तो मिल ही नहीं रहा है। तो हमारी बस यही है कि LIC के जो पैसे हैं उसका जो भी हमारा वो हमें मिले वापस। और जो देश की जनता के लिए जो क्योंकि एक आम नागरिक का ये पैसा था, किसी पूंजीपति का पैसा नहीं था, वो पैसों का हमें मिले। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया है, शांतिपूर्ण तरीके से हम आ रहे थे। पुलिस ने भाई उनका काम है, उन्होंने वो पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन इन्होंने हमारे एक साथी पे लाठीचार्ज कर दिया है। आनंद चौरसिया चौकी इंचार्ज है, हम चाहते हैं कि वो हमारे साथी से माफ़ी मांगे और उसे एम्बुलेंस से लेके जाएं हॉस्पिटल।